ठीक ठाक थी, इतनी कुछ खास नहीं लगी। फर्स्ट हाफ में समझ भी नहीं आ रहा स्टोरी कहाँ जा रही है, मतलब बस चल रही है पिक्चर। हाँ, कीर्ति और दलजीत की उतनी कुछ खास नहीं थी, केमिस्ट्री थी नहीं एक तरीके से वहाँ पे, ऐसा लगता था देख के। टू स्टार्स। क्यों देखे? देखो ही मत। नहीं क्यों नहीं देखे? है ही नहीं पिक्चर में कुछ, इट्स नॉट एंटरटेनिंग। आप जो सोच के आए कि मुझे एंटरटेनिंग, वो तो है, अच्छा क्लास एक्टर है, उसको जो दिया गया काम किया उसने। वरुण, वरुण तो क्लास है, इज अ गुड कॉमेडियन। दैट इज गुड। नहीं हंसी आती है, वही तो सोच के मैं कंगना की पिक्चर छोड़ के ये गया। अच्छा, लेकिन मेरा सर दर्द हो गया। पिक्चर में है नहीं, बकवास है एकदम पिक्चर, एकदम स्टोरी लेंथ एकदम फालतू है। कुछ अलग करने की कोशिश नहीं, पता नहीं क्या दिखा रहे हैं, सब सीट है। नहीं यू शुड नॉट, आई विल सजेस्ट नॉट, डोंट गो वेस्ट योर मनी। भाई बहुत अच्छी है, और डबे मन से बोल रहे हैं आप, बहुत अच्छी है भाई। पटियाला बैग लगा के नाचे कि नहीं? नहीं 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 नहीं, वो पटियाला बैग न जाने की बात नहीं है, वो डायलॉग्स में गुदगुदा लो आप। अच्छा। वो सबसे अच्छी बात है, परफॉर्मेंस अच्छी है, और एक ऐसी कहानी है कि जिसका बैकड्रॉप जो है वो मतलब बदमाश है, उन बदमाशों को पुलिस कैसे ठीक करती है उसको लेके एक बातचीत है। और सबसे अच्छी बात ये है कि डायलॉग्स की जो पंचेज हैं वो अच्छे हैं, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, जो लड़का लड़की हीरो हीरोइन है उनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। सीमा भार्गव की परफॉर्मेंस तो नो डाउट वॉज वेरी गुड एक्ट्रेस, वो उसके बारे में तो जितना कहा जाए कम है, बहुत बढ़िया, मतलब कुल मिला के एक अच्छा पैकेज है। अब एक बार ही तो फिल्म अगर हंसने के लिए देखने जाते हैं तो चले जाओ, लॉजिक मत ढूंढना, और जस्ट इन्जॉय करने जाना तो जाओ। सनी लियोनी भी इसमें, उनका बहुत, ये कौन सी भाई ये पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि फिल्म देख लो जो वो दो लड़के, एक तो हीरो अपना सरदार जी और एक अपनी लड़की वो, और वरुण, हाँ, और वो ओनिडा, हाँ, तो नाइस। जिन लोगों ने अच्छा, जिन मतलब जिनको लगता है कि स्क्रीन पे आते हैं तो बढ़िया, पंकज त्रिपाठी को वेस्ट कर दिया। हो सकता है शुरू में मुझे ही लगा, उसमें मैंने दो तीन सीन देखे लास्ट के, वो जो दारू शारू पी के नाश्ता है, इतने अच्छे एक्टर को नचा के वेस्ट करने वाली बात है। परफॉर्मर था बहुत बढ़िया, उसको काम 3.5। ठीक है भाई, कैसी लगी आपको मूवी? अच्छी लगी, कॉमेडी है, टाइम पास है, वन टाइम देख सकते हैं, और फैमिली इंटरटेनमेंट है, और मूवी थोड़ी और अच्छी बन सकती थी, थोड़ा और अच्छा डायरेक्शन भी हो सकता था, थोड़ी कॉमेडी पंचेस अच्छे और डालते तो और अच्छी बनती। आप बोल रहे हैं वन टाइम वॉच है, मतलब दोबारा देखने नहीं आएंगे? नहीं, मेरे हिसाब से तो मैं वन टाइम, मुझे अच्छी लगी। बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको? म्यूजिक अच्छा है उसका, और कृति का थोड़ा काम अच्छा लगा मेरे को थोड़ा। और किसी का काम जिसे आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं? बाकी सबका कैरेक्टर के हिसाब से ठीक था मुझे। स्टोरी थोड़ा बीच में डाउन हुई है, थोड़ा और अच्छा बन सकता था। 3 स्टार देंगे। मैम कैसी लगी आपको? अर्जुन पटियाला की बात कर रहे हैं तो अच्छी मूवी है, कॉमेडी फिल्म है ये, और इस कॉमेडी फिल्म में वन टाइम वॉचेबल फिल्म है ये, तो मेरे हिसाब से तो सबको एक बार देखनी चाहिए। एक अगर किसी को हल्की फुल्की अपना मूड खुश करना हो तो आई थिंक इट्स द बेस्ट मूवी। कॉमेडी पार्ट कुछ इसमें लगा आपको? देखिए इसमें कॉमेडी ही ज़्यादा था, लेकिन अगर हम अगर और कॉमेडी फिल्मों से इसको कंपेयर करें तो उतना नहीं था, लेकिन क्राइम को हटाने के लिए उसको जिस तरीके से उन्होंने मतलब सब लोगों को एक कॉमेडी के तौर पे इसको ख़त्म किया है, या एक हल्के फुल्के डायलॉग्स के साथ या एंटरटेनमेंट के साथ उसको फिनिश किया है, तो एक तरीके से इसको हल्की फुल्की कॉमेडी कह सकते हैं। स्टोरी और डायरेक्शन वाइज कैसा लगा आपको? स्टोरी अर्जुन पटियाला के हिसाब से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अर्जुन पटियाला कोई बहुत ही दबंग टाइप की इमेज में होगा, लेकिन स्क्रीन में जाके लगा कि नहीं, एक जो पुलिस वाला है बहुत इनोसेंट है, और उसके जो साथी भी हैं वो भी इनोसेंट है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा हाई रेपो के साथ या बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं था। इट वॉज़ नाइस, गुड। देखिए पूरे उसमें ऑब्वियसली अर्जुन पटियाला जो है एक्टर मेन है, उनका तो अच्छा था ही, साथ में कृति भी अच्छा उन्होंने अपना परफॉर्म किया है। इसके अलावा जो साथ में को स्टार्स थे वो स्कूल हो या ओनिडा हो, दोनों ने बहुत अच्छा रोल किया। 3.5। कैसी लगी आपको? अर्जुन पटियाला मूवी काफ़ी अच्छी लगी, कॉमेडी है, स्टार इंटरेस्टिंग है, और आर्टिस्ट भी काफ़ी बढ़िया है उसमें, ठीक लगी मुझे। स्टोरी वाइज और डायरेक्शन वाइज कैसा लगा? डायरेक्शन वाइज ठीक है, अच्छी है, स्टोरी भी बहुत अच्छे से मेंटेन की गई है, और मुझे लगता है कि स्टोरी बढ़िया स्क्रीन प्ले इसलिए हो रही है क्योंकि कैरेक्टर स्टोरी के हिसाब से बहुत सही लिए गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। सबसे बेस्ट पार्ट?
सबसे बेस्ट पार्ट, पूरी मूवी में आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते, हर सीन में कुछ ना कुछ बेहतर है जो किसी दूसरे सीन से ज़्यादा बेहतर लगता है, इसीलिए मैं समझता हूँ शायद हम लोग उसको तोल नहीं पाएंगे। सारी ही मूवी ऐसी है कि आप मुकम्मल देखना चाहेंगे। काम मुझे दलजीत का और कृति का दोनों का ज़्यादा अच्छा लगा। इनके अलावा और भी आर्टिस्ट हैं ऐसे जैसे पंकज हैं, तो ये लोग तो जब किसी फिल्म में किसी स्टोरी में शामिल हो जाते हैं तो इनको हम तोल नहीं सकते कि इनका काम अच्छा लगा या नहीं लगा, ये अपनी जगह है, खुद में बहुत बेस्ट हैं। लेकिन मुझे दलजीत और सोनम की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी लगी, दोनों बहुत क्यूट लग रहे हैं साथ में। रिकमेंड करेंगे? ठीक है, यंगस्टर्स के लिए भी अच्छी है और फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, फैमिली इंटरटेनमेंट। मौका मिला तो 5 में से 3 देना चाहूँगा।